टॉपिक है अपना, आज का टॉपिक अपना फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, पहले ध्यान दीजिए, फ्रेंडलिच साइंटिस्ट का नाम है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को एक्सप्लेन करेगा एट आइसोथर्म कंडीशन। आइसोथर्म क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा, आइसो का मतलब होता है कॉन्स्टेंट, थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर रिलेटेड, ठीक है। तो आइसोथर्म यानी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एब्जॉर्प्शन कैसे वेरी करता है। तो अकॉर्डिंग टू फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन प्रेशर, है समझे, यानी कि कुल मिलाकर कि कितना एब्जॉर्प्शन होगा वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्रेशर के ऊपर, कब, आइसोथर्मल कंडीशन पे, यानी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे। यानी कि अगर लेट सपोज मान ली चलते कि मैंने उसको एम अमाउंट में एब्जॉर्बेंट दिया, एब्जॉर्बेंट क्या होता है, यहां पर मैं लिख दूं, एब्जॉर्बेंट क्या होता है, जो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, जो एब्जॉर्ब करता है उसको एब्जॉर्बेंट होते हैं। लेट एक्स बी द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट क्या होता है, जो एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, जो एब्जॉर्ब होता है वो एब्जॉर्बेंट है, जो एब्जॉर्ब करता है वो एब्जॉर्बेंट है। तो लेट सपोज मैंने एम अमाउंट एब्जॉर्बेंट पे एक्स अमाउंट एब्जॉर्बेंट को एब्जॉर्ब कराया, तो यानी कि जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन रहेगा वो क्या रहेगा, एक्स अपॉन एम, यानी कितना एब्जॉर्ब हुआ अपॉन टोटल, कितना एब्जॉर्बेंट में एब्जॉर्ब किया, तो ये रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हो गया। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा बोला मैंने, ये प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन कैसे, तो प्रेशर का पावर 1 बाय n, ठीक है, प्रेशर का पावर 1 बाय n, जहां पर 1 बाय n वेरी करेगा हर बार चेंज होगा, जिसके अकॉर्डिंगली इस इक्वेशन को अपन डिफाइन करेंगे, ठीक है। एटलीस्ट ये तो समझ में आ गया होगा आपको, x इज द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेंट, n इज द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेंट, डिपेंड्स ऑन प्रेशर विद पावर 1 बाय n, वेयर n इज नंबर, जस्ट नंबर, ठीक है, आगे समझ में आपको। और n आपको मैं डिटेल में बताऊंगा आगे कि n की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है, क्या पॉसिबल वैल्यू होती है उसकी, चलिए आगे आप ध्यान दीजिएगा। लेट x अपॉन n इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल हटेगा कांस्टेंट जुड़ेगा, लेट इट बी द कांस्टेंट बी k p पावर 1 बाय n, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, यहां पर हमें क्या करना है, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में आप लॉग अप्लाई कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको, लॉग x अपॉन n मिलेगा एक साइड में, यहां पर लॉग लगेगा सामने लॉग लगेगा बस, इक्वल्स टू यहां पर लॉग लगेगा क्या मिलेगा, बिल्कुल लॉग k into p पावर 1 बाय n, k into है ना, k into p डॉट में इक्वल है, ठीक है, आगे बढ़िए। तो ये मिला आपको लॉग x अपॉन n इक्वल्स टू लॉग a into b का फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, काफी बार इसको यूज भी कर चुके, लॉग a प्लस लॉग b, यानी लॉग a into b यानी लॉग k प्लस लॉग p पावर 1 बाय n। इसके अलावा होपफुली हम लोगों ने ये भी पढ़ा लॉग a अपॉन n का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर अगर मैं उसको लगा दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, मैं यहां पर नीचे लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, लॉग x अपॉन n इक्वल्स टू लॉग k प्लस ये 1 बाय n सामने आ जाएगा, तो 1 बाय n लॉग p, ये मिला आपको। अब इस इक्वेशन को मैं लिखने का पैटर्न को थोड़ा चेंज कर दूंगा, आप सिंपल सा लॉजिक अब ये तो समझ सकते हो कि 2 प्लस 3 कितना होता है, तो बोलोगे सर क्या पूछ रहे हैं, 2 प्लस 3 भैया 2 प्लस 3 कितना होता है, 5 और 8, और 3 प्लस 2 कितना होता है, 3 प्लस 2 भी 5 होता है, तो 2 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 2 लिखो कोई फर्क पड़ेगा क्या, डेफिनेटली नहीं पड़ेगा। तो वैसे इस पैटर्न को मैं चेंज करने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा मैं कैसे लिख रहा हूं, लॉग x अपॉन m यहां पर ऑलरेडी, तो उसी को लिख देता हूं, लॉग x अपॉन m इक्वल्स टू, अब ध्यान दीजिए लॉग k प्लस ये लिखा हुआ है, तो मैं इसको करके लॉग k प्लस लिख सकता हूं, फर्क तो पड़ेगा नहीं ना, अभी समझाया मैं आपको, यानी 1 अपॉन n लॉग p प्लस लॉग k लिख सकता हूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या बताइए मेरे को, तो डेफिनेटली नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं इसको ऐसा क्यों लिखा, मैं आपको बताता हूं, मैं इसका ग्राफ बनाने वाला हूं, तो इस ग्राफ को अपन कंपेयर करेंगे लीनियर इक्वेशन से, ठीक है, लीनियर इक्वेशन ग्राफ से, तो ये इसका एक इक्वेशन होता है ग्राफ का, लीनियर ग्राफ का इक्वेशन है y = mx + c, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं ट्रेस करूं तो मेरे को कैसे मिलेगा, तो ध्यान दीजिएगा क्या मिलेगा मेरे को, ठीक है, ये y एक्सिस में क्या प्रेजेंट है, log x / m, यानी y एक्सिस में क्या है, log x / m, x एक्सिस में क्या है, मैं भी ये log p, x एक्सिस में log p, ठीक है, आप बता दीजिएगा, इंटरसेप्ट कुछ दिया हुआ है, डेफिनेटली दिया हुआ है log k, इसका मतलब मैं आपको पिछले चैप्टर में भी समझाया था, अगर कभी भी इंटरसेप्ट की वैल्यू देती है नहीं, डेफिनेटली वो जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, और प्लस में इंटरसेप्ट तो डेफिनेटली ऊपर जाएगा, अगर वो माइनस log k होगा तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो प्लस log k है, तो लेट सपोज समवट यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, इंटरसेप्ट यानी log k, ये वैल्यू किसकी है,
झुकाओ कि वो जो लाइन है वो किससे झुकेगा, ऊपर झुकेगा सीधा जाएगा कि नीचे झुकेगा करके, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो स्लोप क्या है, वन बाय एन, पॉजिटिव है कि नेगेटिव ये इंपॉर्टेंट लगता है। पॉजिटिव है तो अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली हम लोग सभी को पता है पॉजिटिव में क्या होता है, कोई भी वैल्यू बढ़ती यानी ग्राफ यहां से ऊपर जाएगा। आगे समझ में आपको, और ये ग्राफ है तो इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, क्या लिखा गया होगा, वन बाय एन, ये इसका स्लोप है। आया आपको समझ में, क्लियर हुआ कि ये इस फ्रेंडिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म का ग्राफ है, लेकिन इसके अलावा फ्रेंडिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म में ये भी पाया गया था कि अगर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सॉरी एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया जाए और टेम्परेचर के हिसाब से रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को कैलकुलेट किया जाए, ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो सर अब क्या बोलोगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ध्यान देना, फिर से मैं बोलता हूँ, इस वाले टॉपिक को खत्म कर दूं, ये वाला टॉपिक के हिसाब से कांस्टेंट टेम्परेचर था, अब मैं इसको हटा रहा हूं, मैं अलग कंडीशन दे रहा हूं। तो फ्रेंडविच ने ये ऑब्जर्व भी किया था कि भैया अगर मैं क्या होगा, ये तो ऑब्जर्व किया अपन की भाई रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, लेकिन क्या होगा अगर प्रेशर को ही कांस्टेंट रख दिया जाए, तो टेम्परेचर के हिसाब से कैसे वेरी करेगा। जब इस पॉइंट को क्लियरिफाई किया गया तो ये ऑब्जर्व हुआ कि एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होता जाएगा। आया समझ में, यानी अगर इसका ग्राफ में प्लॉट करना चाहूं तो कुछ इस टाइप से दिखेगा, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये लाइक सब कुछ प्रेशर इधर है और इधर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है आपका, तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से प्लॉट होगा, ठीक है। जहां पर इसका टेम्परेचर लाइक सपोज मान लीजिए 200 है, ठीक है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही आपको प्लॉट करके समझा रहा हूँ, लेट्स सपोज 200 है तो ये 150 है और ये 100 है केल्विन, तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो सर टेम्परेचर नीचे वाले का ज्यादा है, ऊपर ऊपर जाते जाते कम होते जा रहा है टेम्परेचर, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होते जा रहा है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन कब, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, यानी एक लाइन पर अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो भैया इसी प्रेशर पे अगर मैं कैलकुलेट करूं तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होते जा रहा है ऊपर जाते जाते वैसे वैसे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होते जा रहा है बढ़ते जा रहे हैं। तो ये पॉइंट एक और ऑब्जर्व हुआ था, क्लियर हुआ। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, अभी ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बोला था कि एन की वैल्यू मैं आपको बताऊंगा, तो जैसे जैसे एन की वैल्यू वैरी करती है उसी के अकॉर्डिंगली अलग अलग रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन आपका निकलेगा विद डिपेंडेंस ऑन प्रेशर, यानी कि अलग अलग रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन आपको मिलेगा जो कि अलग अलग टाइप में प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको ज्यादा बेटर रहेगा मैं जब आपको बना के समझाऊंगा, चलिए देखते हैं मैं क्या बोलता हूँ। मैं अभी आपको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो इक्वेशन मेरे को ऑब्टेन हुआ है, x upon n equals to k into p power 1 by n मिला, ये मेरे को इक्वेशन मिला है फ्रेंडविच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म से। तो चलिए मैं आपको बोला था केस 1 ले लेते हैं, लेट्स सपोज मैंने क्या बोला 1 n की वैल्यू जैसे जैसे वैरी करेगी उसी के अकॉर्डिंग, तो लेट्स सपोज n की वैल्यू हो जाती है 0, स्टार्ट करते हैं 0 से, n की वैल्यू लेट्स सपोज 0 हो गई तो क्या होगा, तो डेफिनेटली आप देखिए 1 upon n क्या हो जाएगा, 1 upon 0 क्या होता है, इंफिनिटी होता है भैया, ये बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर इसको मैं पुट अप करता हूं यहां तो मेरे क्या मिलेगा इक्वेशन, x upon n equals to k into p power infinity, 1 upon n क्या है इन्फिनिटी, तो पावर इन्फिनिटी, यानी कि अगर प्रेशर में थोड़ा सा भी चेंजेस आया, जैसे मान लीजिए प्रेशर आपको 1 बार और वो 1.1 बार भी अगर हो गया तो उसके थोड़े से चेंज इन प्रेशर की वजह से रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन पे बहुत ज्यादा बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, कब, जब n की वैल्यू 0 हो जाएगी, तब इसी का n की वैल्यू जल्दी 0 नहीं होगी, ठीक है। चलिए केस 2 यानी केस सेकंड, जब n की वैल्यू हो जाए लेट्स सपोज 1, लेट्स सपोज n की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, तो अब यहां पर क्या होगा, तो 1 / 1 क्या हो जाएगा, डेफिनेटली 1 / 1 क्या होता है 1 ही होगा, इक्वेशन में पुट अप करो क्या मिलेगा, x / n = k * p / 1 होगा, यानी कि कुल मिलाकर इसको डायरेक्टली अपन लिख सकते हैं x / n = k * p, यानी कि x / n और p में लीनियर रिलेशन है, क्या रिलेशन है, लीनियर रिलेशन, ठीक है, क्या रिलेशन है, लीनियर रिलेशन, यानी कि कुल मिलाकर जैसे जैसे p बढ़ता जाएगा वैसी वैसी x / n भी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे p इधर बढ़ रहा है वैसी वैसी x / n भी इधर बढ़ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन आपको ऑब्जर्व होगा, क्लियर हो, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर बना दिया ग्राफ को, ठीक है। चलिए अब केस थर्ड जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है,
ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट तो है तीनों के तीनों केस ही, तो तीनों पे ध्यान ध्यान दीजिएगा। चले लेट सपोज एन की वैल्यू हो गई अब आपकी इन्फिनिटी, एन की वैल्यू बहुत बढ़ गई, बढ़ते 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 बहुत बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि वो इन्फिनिटी पे पहुंच गई, तो वन अपॉन एन की वैल्यू क्या होगी? तो वन अपॉन बहुत बड़ा नंबर क्या आएगा आपको? जीरो ही आएगा। अब इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो क्लियर कर दो, आप एक बार बताओ मेरे को, वन अपॉन टेन क्या होगा? वन अपॉन टेन क्या होगा? जीरो पॉइंट वन, वन अपॉन हंड्रेड जीरो पॉइंट जीरो वन, वन अपॉन थाउजेंड जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन, वन अपॉन टेन थाउजेंड जीरो पॉइंट जीरो 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 वन, वन अपॉन मान लीजिए वन लाख हो गया तो एक और जीरो जुड़ जाएगा यहाँ पर, फिर वन अपॉन टेन लाख तो ये और जीरो हो गया, और वन अपॉन वन करोड़ तो एक और जीरो आ जाएगा, वन अपॉन टेन करोड़ तो एक और जीरो आ जाएगा, वन अपॉन अब जैसे हो जाएगा हंड्रेड करोड़ तो एक और जीरो आ जाएगा। तो ये वैल्यू तो मेरे को पता है ना, इन्फिनिटी मतलब क्या होता है? बहुत बड़ी वैल्यू, बहुत बड़ी जिसको पता नहीं, तो एक जीरो 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 चलते जाएगा, तो उतनी बड़ी वैल्यू को मैं थोड़े काउंट करूंगा, मैं तो मानूंगा ही ना कि जीरो है करके वो। तो इसी कारण क्या लिया गया कि अगर एन की वैल्यू इन्फिनिटी है तो वन अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आएगी? समवट जीरो आएगी, ठीक है। अगर वन अपॉन एन की वैल्यू जीरो है तो एक्स अपॉन एन क्या होगा? एक्स अपॉन एन इक्वल्स टू के इनटू टी पावर वन बाय एन जीरो, और एन की पावर जीरो दैट इज वन, सो एक्स अपॉन एन इक्वल्स टू के, यानी इस कंडीशन पर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट टू प्रेशर, यानी कि प्रेशर में कुछ भी चेंज आए रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन चेंज होगा ही नहीं, है इस कंडीशन पे। आप ध्यान दो ना, आप इक्वेशन में पी तो है कि प्रेशर तो है ना, तो डेफिनेटली रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगी, यानी कि रेट ऑफ प्रेशर में कुछ भी चेंजेस आए वो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन के ऊपर डिपेंड करेगा ही नहीं। उसको मतलब ही नहीं है कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है, कैसा है, क्यों है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्लियर हुआ? यानी प्रेशर आप 100 रखो या 1000 रखो या 10 लाख रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन उतना ही चलेगा, कॉन्स्टेंट का कॉन्स्टेंट। आया समझ में आपको? कोई डाउट हुआ इतने पे? यानी कि अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ तो समझ कुछ इस टाइप का मिलेगा मेरे को ग्राफ, अगर ये पी है और ये एक्स अपॉन एन है तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से लीनियर बनेगा, कि कोई भी प्रेशर ले लो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन सेम रहेगा, कितना भी प्रेशर बढ़ा लो कितना भी कम कर लो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन सेम का सेम ही रहेगा। क्लियर हुआ पॉइंट? नहीं हुआ, समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये था कंप्लीट आपका फ्रेडरिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी आप ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे को यही सेम जो चेंजेस या जो रिलेशन मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन का डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में, यानी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर ये सब निकाल रहा हूँ, अगर मेरे को यही सेम चीज रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन सॉल्यूशन के लिए कैलकुलेट करना हो, तो अगर यही सेम चीज सॉल्यूशन के लिए कैलकुलेट करना हो तो सॉल्यूशन किस फैक्टर के ऊपर मेनली डिपेंड करता है? तो डेफिनेटली आप थोड़ा सोचोगे फिर बोलोगे सर कंसंट्रेशन के लिए मेरे हिसाब से, तो डेफिनेटली यस, जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है यानी एक्स अपॉन एन इज प्रोपोर्शनल टू सी यानी कंसंट्रेशन और उनमें है, सिमिलरली क्लियर हो? सेम डायरेक्शन सेम सब कुछ ग्राफ ऑफ सेम, जस्ट जहां जहां पर पी दिया वहां पर आप क्या लिखोगे? सी लिखोगे। आया समझ में आपको? ठीक है, अब यहां पर मैं आपको एक पॉइंट और बताया था जहां पर मैंने आपको बोला फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म में एन की वैल्यू वेरी करती है, तो एन की वैल्यू जनरली होती है नॉर्मल सॉल्यूशंस मतलब नॉर्मल जितने भी अपन एब्जॉर्प्शन करते हैं उनके लिए जीरो से लेकर वन के बीच में, टू बी मोर स्पेसिफिक इट इज जनरली इन बिटवीन ऑफ 0.1 टू 0.5, ठीक है, वैसे कायदे से 0 से 1 के बीच में होती है, लेकिन अगर ज्यादा ही स्पेसिफिक अपन हो तो 0.1 से लेकर 0.5 के बीच की वैल्यू रहती है। आया आपको समझ में?